अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वायरल टैग एंड फैक्ट। मैं हूं मोहम्मद शासिर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बैन और अनबैन की। तो जो एडवोकेट साहब थे, वो जो भी उनके पास एविडेंस वगैरह थे वो साबित नहीं कर सके, और फाइनली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने फैसला दे दिया है कि जो पबजी है उसको अनबैन कर दिया जाए। पीटीए यूज पबजी है, पीटीए उसको अनबैन नहीं करेगा। आज के मौकफ के जो फैसले के मुताबिक पीटीए ने फैसला किया है कि पबजी को 1 से 2 दिन रोज़ के अंदर अनबैन कर दिया जाएगा, तो वो बग़ैर वीपीएन के खेलेंगे दबा के, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले अगर एक न्यूज़ सुनी गई थी जिसके अंदर कहा गया था कि जो YouTube है उसको बैन करने का इंदिया दिया गया था, यानी कि एक निशान दिया गया था, कहा गया था कि क्यों ना YouTube को भी बैन कर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये कोई एक रीज़न नहीं है कि YouTube को बैन कर दिया जाए। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो YouTube है वो एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन के हिसाब से कह लें या फिर इंटरटेनमेंट वगैरह के हिसाब से कह लें। लोग जो हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसके ज़रिए अर्निंग वगैरह करते हैं अपनी। तो मौजिस पीटीए और जज साहबान, दरख्वास्त है आपसे कि पीटी बैन नहीं किया जाए। हाँ, कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ तरीक़ेकार के हिसाब से जो है हम कर सकते हैं। आप YouTube से रابطہ करें, YouTube को कहें कि भाई इस टाइप की जो वर्बल वीडियोस हैं वो YouTube के आ रही हैं, तो आप उसके ऊपर एक्शन लें, उस पर कार्रवाई करें, देखें YouTube उस पर क्या एक्शन लेता है। यूट्यूबर्स से कांटेक्ट किया जाए, यूट्यूबर्स को कहा जाए कि भाई इस तरीके की वीडियोस ज़्यादा YouTube पे आ रही हैं, तो आप जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े हमारे यूट्यूबर्स हैं, उनसे कहें कि भाई आप जो अच्छा कॉन्टेंट है उसको ज़्यादा हाईलाइट करें। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूट्यूब बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वायरस की वजह से हम काफ़ी पहले ही पीछे जा चुके हैं, यूट्यूब बंद हो जाएगा तो हम मज़ीद पीछे चले जाएंगे। हाँ, अगर ज़्यादा है और मेन मकसद बैन का ही है कि भाई बैन करना है, तो नॉर्मली मेरे हिसाब से आप जो इंटरनेट सर्विस है पाकिस्तान में वही बैन करते हैं जिन्हें जो वही नहीं बताया था। तो उनकी वीडियोस के हिसाब से आप देखें कि भाई पाकिस्तान बैन कर देते हैं, पाक इंटरनेट के नाम से एक इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करते हैं और सारी जो एप्लीकेशन वगैरह हैं सारी एप्लीकेशन ख़त्म कर देते हैं, और एक पाक चैट के नाम से एक एप्लीकेशन निकालते हैं जिसके अंदर जो कह लें कि अंडर गवर्नमेंट काम करेगी, और जो भी उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ सही नहीं है वो उसको हटा दे, और जो उसको समझ में आए कि रखनी चाहिए वो रखे। तो आज की वीडियो में खास मोटिव यही था कि नॉर्मली YouTube जो है वो बैन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बैन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली उसको जो भी उसके ऊपर चीज़ें हैं जो है जिससे आपको इतराज़ात हैं वो उस पर से हटा दें, एप्लीकेशन वगैरह को वेबसाइट्स को कंटिन्यू रहने दिया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर YouTube बैन नहीं हुई हो। अल्लाह।